आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इंसान चाहे जितनी नमाजें पढ़ ले, इंसान चाहे जितने रोजे रख ले, इंसान चाहे जितनी ज़कातें दे दे, इंसान चाहे जितने सदकात दे दे, अगर माँ बाप उससे राजी नहीं है तो उसकी कोई नेकी उसको कयामत के दिन फायदा नहीं दे सकती। आज मेरी कौम के जवान, ये इत्तेहादी उम्मत जो हमने ये उनवान रखा है, उसका मतलब ये है कि माँ से बेटे को जोड़ा जाए, भाई से भाई को जोड़ा जाए, वरना उस्सामुल अरमैन पर तो हमारा मौकिफ है। हम अहले उस्सामुल अरमैन को जोड़ना चाहते हैं, हम अहले उस्सामुल अरमैन को जोड़ना चाहते हैं। तो माँ से बेटा जुड़े, भाई से भाई जुड़े, पड़ोसी से पड़ोसी जुड़े, दादा से पोता जुड़े, और भाभी से जो है वो उसका देवर टूटे हुए रिश्ते को उस्तवार करे, मामू से भांजा जुड़े, चचे से भतीजा जुड़े, और पड़ोसी आपस में न लड़े, ये कैफियत है। इसीलिए बल्कि असल उम्मत का इतलाक तो अहले ईमान पर होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो दरअसल बात ये है कि ये माँ से जो लोग दूर हो गए हैं, बाप से जो लोग दूर हो गए हैं, उनका भूला हुआ सबक उनको याद दिलाया जा रहा है, उनका भूला हुआ सबक उन्हें बताया जा रहा है। आज के मेरे जवान लड़के, आज के मेरे नौजवान लड़के और लड़कियां, माँ बाप को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वालिदैन को जो खून के आंसू रुला रहे हैं, वो अल्लाह अकबर शायद किसी दौर में नहीं देखा गया होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, एक जवान अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम की बारगाह में आता है, अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह मैं सदका बहुत देता हूं, यानी ज़कात बहुत देता हूं, पांचों वक्त की नमाजें भी पढ़ता हूं, माह रमजान के रोजे भी रखता हूं, हज भी मैंने कर लिया है, या रसूल अल्लाह मेरे बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर तू माँ बाप को नाराज नहीं करता तो तू अंबिया सिद्दीकीन शुहदा के साथ जन्नत में इस तरह रहेगा जैसे ये दो उंगलियां करीब है। यानी ये इबादत उस वक्त तक जन्नत में नहीं ले जाएगी जब तक तेरे माँ बाप तुझसे राजी नहीं है। आज दाढ़ियों पर तो तवज्जे है, हम दाढ़ी के मुखालिफ नहीं है, आज नमाजों पर भी तवज्जे है, इबादत है, लेकिन मस्जिद जाने से पहले कभी माँ बाप का चेहरा भी देखा? अपनी माँ को और अपने बाप को घर का कचरा समझने वालों, मुझे बताओ, अपने माँ बाप को तुम माँ बाप कहने के लिए तैयार नहीं हो? माँ बाप को बुढ़ा और बुढ़ी कहा जाता है, बल्कि अब तो हालात ये हैं, अपने माँ बाप से लोग जल्दी से शादी के बाद अलग हो जाते हैं, अलाइदा हो जाते हैं, और अल्लाह अकबर माँ बाप से दूरी अख्तियार कर लेते हैं। आगे हदीसे पाक सुनिए, मैं फिर कहता हूं, वक्त की किल्लत की पैरों में जंजीर है, लेकिन सिर्फ दिल का दर्द आपके सामने पेश करना चाहता हूं। माओं को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, बाप को दूसरों के भरोसे छोड़ने वालों, मैं नहीं पालूंगा मेरी माँ को तो मेरा भाई पालेगा, मेरा भतीजा पाल लेगा, दूसरा भाई पालेगा, तीसरा भाई पालेगा। मैं कहता हूं, कैसा अलमिया है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब कहते हैं मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, और जवान हो जाते हैं, इलाज की बात आए तो तेरी माँ, खिदमत की बात आए तो तेरी माँ, रखने की बात आए तो तेरी माँ। हैरत की बात है। याद रखना, कायनात की सारी इबादतें कर लो, अगर वालिदैन की रजा दामन में नहीं है तो तुम्हारे मुंह पे फेंक दी जाएगी वो इबादतें जो तुमने की है। बल्कि हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस्लाम में सबसे बड़ी खुदा की मोहब्बत का सबूत ये है कि इंसान शहीद हो जाए। शहीद का माना होता है गवाही देने के, तो शहीद को जो सर कटा दे अल्लाह की राह में, जान दे दे, उसको शहीद इसलिए कहते हैं कि उसने अल्लाह की मोहब्बत की गवाही दे दी है। शहीद को शहीद कहने का एक मकसद ये भी है। अब सुनिए, वो शहीद हो गया, वो शहीद हो गया यानी जान दे दी, सर नहीं झुकाया 20 मिनट के लिए, सदका नहीं निकाला चंद रुपए का, बल्कि जान दे दी अल्लाह के लिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अगर माँ बाप या दोनों में से कोई एक भी नाराज है तब भी वो शहीद होकर भी जन्नत में नहीं जाएगा, शहीद होकर भी उसको जन्नत नहीं मिलेगी। अरे माँ बाप की खुशी के बगैर शहादत पर भी जन्नत नहीं मिलती, तो माँ बाप की खुशियों के बगैर शादी करने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी?
माँ बाप को छोड़कर अलग घर बसाने वालों को खुशियां कैसे मिलेगी? कहाँ है आज के मेरे जवान और आजकल की खवातीन भी, नौजवान लड़कियां भी घर में 6 महीना 4 महीना रहती है और फिर कहती है अगर आपको मेरे साथ रहना है तो तुम्हारे माँ बाप के साथ में रहना नहीं चाहती, और फिर वो जोरू का गुलाम अपनी बीवी की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ देता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बीवी को अपनी माँ पे तरजीह दे अल्लाह ने उस पे जन्नत की खुशबू भी हराम कर दी है, ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। ये अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसने बीवी को तरजीह दी माँ पर, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं उसका खुदा फर्ज भी कबूल नहीं करता, नफल भी कबूल नहीं करता। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिसके कहने पे हमने कलमा पढ़ा है। आजकल की औरतें ये समझती हैं कि अगर वो अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी, अपनी सास को बेसहारा छोड़कर निकल जाएंगी अपने शौहर को लेकर, तो क्या कल उसने सास नहीं बनना? क्या कल उसने सास नहीं बनना? तुम किसी के बेटे को जुल्मन छीन ले जाओगी, तुम्हारी औलाद भी तुमसे छीनी जाएगी। मेरी बहन बहुत दूर नहीं है अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया अल बिर ला यबला व जंब ला युनसा व दयान ला यमूत। एमल मा शे तकमा तदीन तुदान, एमल मा शे तकमा तदीन तुदान, एमल मा शे तकमा तदीन तुदान। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं नेकी कभी पुरानी नहीं हो सकती, गुना कभी भुलाया नहीं जा सकता, सिला देने वाले खुदा को कभी मौत नहीं आएगी। तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे। जवानी में गुनाहों के कांटे बोने वाली खवातीन दिल के कानों से सुने, एक दिन सास ने तो सास तो आपने भी बनना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं तुम अपने माँ बाप के साथ जैसा सुलूक करोगे तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ वैसा ही सुलूक करे। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करे, हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका इरशाद फरमाते हैं कि जो माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करता है अल्लाह उसको ऐसी औलाद देता है जो उससे ज्यादा अच्छा सुलूक उसके साथ करती है। आज चिल्ला चिल्ला कर माँ बाप से बातें करना, कमाना ज्यादा, थोड़ा सा माँ बाप के हाथों में रखकर हौज मौज करना, माँ बाप को अखराजात के लिए तंग करना, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आइए वो हदीस पाक मुझे याद आती है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम के दौर में, तवज्जो सुन, अल्लाह के रसूल के दौर में एक शख्स हैं, बल्कि सहाबी हैं, और ऐसा सहाबी जो कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजे पढ़ते हैं। वो सहाबा में इतने नेक है कि वो कसरत से सदका देते हैं, हदीस में आया है, कसरत से सदका देते हैं, कसरत से नमाजे पढ़ते हैं। उनका नाम अलकमा है, अलकमा। उनकी रूह निकलने वाली, अल्लाह के रसूल के पास कोई आकर कहता है या रसूल वो अलकमा की रूह निकलने वाली है। सरकार ने कहा बिलाल, सुहैब और सलमान तुम तीनों जाओ और उसको कलमे की तलकीन करो कि कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से जाए। तीनों पहुंचे का कलमा पढ़, तो कलमा उनकी जबान पे नहीं आ रहा। जो औरतें अपने शौहर को मां से जुदा करती हैं क्या वो चाहती हैं कि उनका शौहर कलमे के बगैर दुनिया से जाए? शौहर को तुमने यही सिला दिया है शौहर होने का? सिर्फ एक बुढ़िया को पालने की बात है इज्जत के साथ, एक बूढ़े को पालने की बात है इज्जत के साथ, वो भी हमसे नहीं होती। और फिर क्यों पालना है? क्योंकि उन्होंने हमें पाला है, उन्होंने हमें पाला है। ये वो लोग हैं जिनके चेहरे पे निगाह उठती है तो मकबूल अज का सवाब मिलता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसको ये पसंद हो कि अल्लाह उसकी उम्र लंबी करे और उसके रिस्क में बरकत अता करे, वो चाहे कि अपने माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। जो माँ बाप के साथ उसने सुलूक करे अल्लाह उसकी उम्र लंबी करता है और उसके रिस्क में बरकत देता है, उसको कभी मोहताज नहीं करता जमाने का। ये बुजुर्गों की ये बुजुर्गों के एहतराम पर ये सिला है, माँ बाप के एहतराम पर ये सिला है। बल्कि कुरान तो कहता है माँ बाप के साथ इस तरह पेश आओ फला तकुल लहुमा उफ, उनके सामने उफ यानी हूं भी मत कहो। माँ बाप के सामने हूं कहना भी जायज नहीं। इसकी तफसीर में अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया अगर उफ से भी और कम और हल्का
तकलीफ देने वाला कोई लफ्ज होता तो अल्लाह उसका तज़किरा, लेकिन उफ से ज्यादा हल्का कोई लफ्ज नहीं है। इसका मतलब माँ बाप के सामने उफ कहने की भी इजाजत नहीं है, और माँ बाप के सामने जब बैठो तो ऐसी आजिज़ी से बैठो जैसे कोई गुलाम अपने आका के सामने बैठा है। अरे जिसके यहाँ लूम चलाते हो उसकी तो चापलूसी करते हो, और माँ बाप के सामने सीना तान कर आस्तीने खोल कर खड़े रहते हो। तरक्की करने चले हो, किसको तरक्की मिलेगी? माँ बाप के गुस्ताखों को, जिनको शहीद होकर भी जन्नत नहीं मिल सकती उनको दुनिया में क्या खास तरक्की मिलेगी? तरक्की का उसी का मुकद्दर है जिसके दामन में माँ बाप की दुआ है। सबकी चापलूसियां करते हो, कभी माँ बाप के सामने भी तो गुलामों की तरह रहो, उनके सामने भी तो कभी माँ बाप के सामने भी तो कभी आजिज़ी करो। अल्लाह ने फरमाया उनके सामने उफ भी मत करना, यानी हूं वो कोई जवाब देना बक बक करे ना, हंसना नहीं, हूं नहीं करना। अगर वो बैठे हो तो उनके सामने किताब पढ़ना भी बेअदबी है। और तू कौन सी किताब पढ़ सकता है, तू कौन सी किताब पढ़ सकता है माँ बाप के सामने बैठकर? ला कितनी बड़ी भी किताब, उसके कितने सफात पढ़ सकता है? पढ़ और मुझे बता उस पे सवाब कितना मिलेगा। अरे किताब में दर्जनों घंटे नजर लगाकर तुझे जो सवाब नहीं मिल सकता, एक सेकंड में माँ का चेहरा देखने पे मिलेगा, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा माँ बाप के चेहरे को मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब नसीब होता है। सोचो तो सही, इसीलिए वहां किताब नहीं पढ़ना, वहां बैठ के किताब नहीं पढ़ना, वहां तो उनका चेहरा पढ़ना है। इसलिए कि किताबें फिर पढ़ी जा सकती है, लाइब्रेरियां जिंदा रहेगी, लेकिन वो चेहरा कब्र में चला गया तो फिर कभी पढ़ा नहीं जा सकता। लोग सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात को दीन समझते, माँ बाप की कदर भूल गए, माँ बाप की कदर फरामोश कर गए। मैं तो देखता हूं कि जो दीनदारी के टाइटल लेके फिरते हैं उनके पास भी अब मैं माँ बाप की कदर नहीं देखता। उन लोगों के पास भी वो कदर नहीं है जो हदीस में आई है, जो हदीस में मैं पढ़ रहा हूं मैं नहीं देख रहा हूं। शायद मेरी नजरों में कोई कोताही हो गई हो, लेकिन बहरहाल मुझे नजर नहीं आ रहा है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाप के आने पे उठकर खड़े ना हुए तो कुदरत ने कहा यूसुफ अब के बाद तेरी नस्ल में कोई नबी पैदा नहीं होगा। अपने अब्बा भी आते हैं लीडरों के लिए खड़े होने वालों, कभी बाप के लिए भी खड़े हुए हो? लीडरों के लिए खड़े होने वालों कभी मां के लिए भी उठकर खड़े हुए हो तासीम में? जनाबे यूसुफ अलैहिस्सलाम, लेकिन उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को औलाद ही नहीं हुई। अल्लाह की शान ये, उससे पहले अल्लाह ने 10 बेटे दिए, 10 के 10 नबी, बाद में नबूवत तो खानदान में, लेकिन उसके बाद कोई बेटा नहीं हुआ। आप क्या समझते हैं माँ बाप को, घर का कचरा? लोगों के सामने आजिजी करते हो दिखावे की, कभी माँ बाप के सामने भी इतनी पीवर मोहब्बतें कहीं नहीं मिलेगी आपको। हर मोहब्बत में मफाद पोशीदा है। ये वो देखो, मैंने ये बात तुम्हें पहले भी समझाई थी, शायद आप भूल गए हो या याद ना रखा हो। हर आदमी अपनी सिफात से मोहब्बत करता है, कोई अपनी जात से मोहब्बत नहीं करता। मुकर्रर से क्यों मोहब्बत है? कि वो मुकर्रर है, सिफत है। कारी से क्यों मोहब्बत है? किरत करता है, सिफत है। आलिम से क्यों मोहब्बत है? इल्म है, सिफत है। अपनी जात से कोई मोहब्बत नहीं करता, मतलब अगर ये जात से मोहब्बत करते तो जब नंगे घूमते थे तब इन्होंने मोहब्बत क्यों ना की? खड़े पेशाब करते थे बिस्तर में तब इन्होंने मोहब्बत क्यों ना की? तब तो लोग नफरत करते थे, नाक बंद करते थे बदबू देखकर। लेकिन उस वक्त तो जब हम जाहिल थे, आलिम न थे, किरत करना ना जानते थे, अदब ना जानते थे, यानी उस वक्त तो सिफात नहीं थी, सिर्फ जात थी। तब किसी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो उसे माँ बाप कहते हैं। यही बात है ना, ये माँ बाप की शान है, इनकी कदर नहीं करते आज लोग। बहरहाल दूर ना निकले बात इख्तिताम को पहुंचती है कि हुजूर ने 3 साहबों को भेजा, हजरत सलमान बिलाल सुहैब रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। गए कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहे थे कलमा। कौन नबी के सहाबी, रूए जमीन पर सबसे अफजल तरीन मखलूक का नाम है सहाबी,
अंबिया के बाद उन जैसी मखलूक नहीं है, उनसे बड़ी मखलूक इंसानों में रूबे जमीन पर नहीं है, वो शान वाले लोग हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए इबरत। बिलाल हबशी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकबा कसरत से सदका देता था, नमाजें पढ़ता था, रोजे रखता था, बहुत नेक था, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुजूर अलैहि सलाम फरमाते, उसकी अम्मी है, जी या रसूल अल्लाह है, कासिद को भेजा, अगर तुम आना पसंद करो तो मेरी बारगाह में आओ, और अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मैं खुद आता हूँ। उनकी माँ लकड़ी लेकर खड़ी हो गई, कहा मेरे मुस्तफ़ा करीम का हक ये है कि हम उस दरबार में हाजिरी दें, इसलिए कि उनकी बारगाह की हाजिरी से बड़ी इबादत और क्या है। अल्लाह अकबर। तो उनकी माँ लकड़ी टेकते हुए आई, सरकार ने फरमाया तू झूठ बोल या सच बोल, मुझे बता दिया गया है हकीकत क्या है, लेकिन बताना सच सच कि तेरे बेटे से तू राजी है कि नाराज। अर्ज की या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज हूं। सरकार फरमाते हैं अब मैं तेरे बेटे को आग में जला दूंगा जिंदा। उन्होंने मां की ममता थी, ममता तड़प गई। अर्ज की या रसूल अल्लाह ऐसा ना करें। सरकार फरमाते हैं कि अगर तू उसको माफ करके राजी नहीं होगी तब तो वो जहन्नम में जलना है उसको, तो एक काम कर तू उसको माफ कर दे। कहा हुजूर मैंने माफ कर दिया। सरकार ने बिलाल से कहा बिलाल कहीं ऐसा ना हो कि जबान से माफ करके दिल में अंदर ही अंदर नाराज हो, इसकी रजा या नाराजगी घर जाके पता चलेगी। इसने वाकई माफ किया या नहीं किया इसके घर जाके पता चलेगी। जा देख घर में क्या हाल है। जब गए तो देखा कि अलकमा कलमा पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अलकमा कलमा पढ़ रहे, दौड़ क्या या रसूलुल्लाह, वो तो कलमा पढ़ रहा है। सरकार फरमाते माँ राजी हो गई, उसकी अलामत ये है। उनका इंतकाल हो गया, सरकार ने फरमाया गुसल दो, अब तवज्जो गुसल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद जनाजे में शिरकत करूंगा। अलकमा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हजारों नेकों की नेकियां कुर्बान के हुजूर जिसके जनाजे में शिरकत के लिए आए। हुजूर जनाजे में आए, कब्र में दफन किया, और दफन करने के बाद कब्र के पास खड़े होकर ऐलान किया, लोगों अगर तुमने अपनी बीवी को अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह दिया तो उस पर अल्लाह की रसूल की और सारे फरिश्तों की लानत है। अगर तुमने बीवी को तरजीह दिया मां पर तो तुम पर, उस शख्स पर जिसने तरजीह दिया है बीवी को मां पर, अल्लाह की रसूल की सारे फरिश्तों की लानत है। और फिर फरमाते हैं ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। अब आपसे पूछता हूं बीवी बीमार पड़े तो हम कितनी जल्दी लेकर दौड़ते हैं दवाखाने में, माँ बीमार पड़े तो यही चुस्ती दिखाते हैं, बीवी मुतालबा करे तो कितनी जल्दी। मैं ये नहीं कहता बीवी का मुतालबा पूरा ना करो, उसके भी हुकूक हैं जो मैं बयान कर चुका हूँ, अगली नशिश्त में बयान हो गया है, आप कोई मफू में मुखालिफ मुराद नहीं लेंगे। लेकिन आपसे पूछता हूँ बीवी से बड़ा हक तो माँ का था ना, माँ का था, लेकिन आपने क्या किया। बल्कि अब वो नौजवान लड़के जो पसंद की शादियों के चक्कर में माँ बाप का दिल दुखाते हैं, उनको अहमियत नहीं देते, उनसे भी मेरी गुजारिश है खुदा के लिए ऐसा ना करें। बात समेटते हुए अब आखिरी बात अर्ज करूं, देखो अगर माँ बाप हमें किसी बात का हुक्म दें चाहे उसमें हम अपना जितना बड़ा नुकसान हो, लेकिन वो हुक्म गैर शरई ना हो, उस पर अमल करना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसे माँ बाप कह दे बेटा तूने हज फर्ज कर लिया है, अब तूने नफिल हज के लिए नहीं जाना है, तो आपको हज करने में जितना सवाब मिलने वाला था नफिल, माँ के कहने पे अमल करने में उससे ज्यादा सवाब आपको रुकने में मिलेगा। ये बात है, आप नफिल नमाज पढ़ रहे थे, माँ को जरूरत थी, पता था कि आप नफिल पढ़ रहे हैं, माँ ने कहा बेटा इधर आ मुझे तेरी जरूरत है। फुकहा कहते हैं नफिल नमाज तोड़ दे और माँ की बारगाह में हाजिर हो जाए, उनकी खिदमत करे, ये है अपने इस्लाम का फरमान। तब बताओ आप कहते हैं कि मैं अपनी पसंद की करूँगा, उसमें माँ बाप से पूछते नहीं, लड़कियाँ लेकर के भागने का सिस्टम बहुत बढ़ता जा रहा है, ये तूफान है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। याद रखना जिस शादी में माँ बाप की खुशी नहीं उसमें बलाएँ नाजिल होती रहेगी, इसलिए कि शहीद हो के जन्नत नहीं मिल सकती तो शादी के बाद खुशी क्या मिल सकती है। माँ बाप जो कह दे अमल करो, बल्कि कुरान में है अगर तुम्हारे माँ बाप तुमको शिर्क का हुक्म दें कि तू शिर्क कर, सरकार फरमाते हैं कुरान की आयत भी है कि तुम्हें शिर्क नहीं करना,
लेकिन उनके कहने पे शिर्क तो तुम नहीं कर सकते। मगर अब ये नहीं कि उन्होंने शिर्क की तरफ दावत दी तो उनको छोड़ के भाग जाओ, ये खास बात है। शिर्क की तरफ बुला रहे अब उनको मारो पीटो कि ये तो हमें मुशरिक बनाना चाहते, नहीं। अल्लाह फरमाते हैं, हुजूर भी फरमाते हैं, शिर्क की तरफ बुलाते उधर मत जाना, लेकिन दुनियावी मामले में उनके साथ उसने सलूक करना, उनकी खिदमत करना, उनको खर्चा देना, उनको खाना देना, उनको पानी देना, उनको कपड़ा देना, उनके अखराजात पूरे करना। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मेरे सहाबा क्या मैं तुमको ना बताऊं कि सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर कहते सबसे बड़ा गुनाह क्या है, सबसे बड़ा गुनाह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम तकिया लगाकर बैठे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने तकिया छोड़ दिया और उठ करके सीध, यानी कि आकाए करीम अलैहिस्सलाम जो है तकिया छोड़ करके जिसको लोग अपनी जबान में कहते हैं सीधे होके बैठ जाना। मेरे नबी जिस हयत में है वही सीधी हयत है, लेकिन लोग जिसको कहते हैं अपने अल्फाज में सीधे होके बैठ जाना, हुजूर उस कैफियत में आ गए। वरना अल्लाह की इज्जत की कसम वो उनकी जो कैफियत है वही सीधी कैफियत, उससे हट करके कोई सीधा नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो तकिए से बैठे थे, तकिया छोड़ दिया और आकाए करीम अलैहिस्सलाम जो है, अब आप समझ सकते हैं ना मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर फरमाया सबसे बड़ा गुनाह क्या है? साहबा बिल्कुल अटेंशन हो गए, जी या रसूल अल्लाह, सरकार फरमाते हैं शिर्क करना, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, ये सबसे बड़ा गुनाह है, और माँ बाप की नाफरमानी करना ये सबसे बड़ा। मुशरिक जन्नत में नहीं जाएगा और माँ बाप का नाफरमान जन्नत में नहीं जाएगा। हुजूर ने फरमाया, नाफरमानी तो हो रही है आज। आइए जो बात कहने चला था इख्तिताम पे, माँ बाप अगर कह दे ये काम नहीं करना आप छोड़ दो, बल्कि हुजूर की एक हदीस है, माँ बाप कह दे ना तू तेरे अपने बाल बच्चों को छोड़ दे, तो आप कहें जी बिल्कुल, हूं नहीं कह सकते आप। हदीस है, अल्लाह के रसूल की हदीस है, हूं नहीं कह सकते, लेकिन यहां बाल बच्चों के लिए माँ बाप छोड़ दे बाल बच्चों। हालांकि मुझे यकीन है ये तो सिर्फ हमें अजमत बताने के लिए कहा गया है, वरना कौन माँ बाप कहेंगे यार कि बाल बच्चे छोड़ दें, ये पागल है क्या है? बल्कि हमारे, हमने तो अपने बड़े बूढ़ों से सुना, यहाँ हमारे बड़े बूढ़े ही बैठे हुए हैं कि बेटों से ज्यादा पोता पोतियों से प्यार होता है, तो उन्होंने कब चाहना है, उन्होंने कब चाहना है कि छोड़ दें अपनी पोता पोती, ये नहीं हो सकता। लेकिन अहमियत बताने के लिए बात